हाय एवरीवन, आप लोग झटपट ज्वाइन हो जाइए। गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी ज्वाइंट हो जाइए। माई सेल्फ विनीता हाजरा गुप्त, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। आज हम बनाएंगे पनीर मखानी और उसके साथ फ्राइड राइस। आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे कि नहीं, थोड़ा कमेंट्स कीजिएगा। हम कमेंट्स देख नहीं पा रहे, थोड़ा कमेंट्स करके बताइए मेरा आवाज आप लोग ठीक से सुन पा रहे कि नहीं। चलिए आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे पनीर मखानी एंड फ्राइड राइस। पहले हम पनीर मखानी बनाएंगे। हम रेसिपी जो रेसिपी बनाएंगे सब अमूल का प्रोडक्ट यूज करके बनाएंगे, क्योंकि अमूल का प्रोडक्ट से जो चीज हम खाना बनाते हैं वो बहुत टेस्टी होता है। और आज का लाइव सेशन करने के लिए थैंक्स टू अभिषेक सर एंड दीपा मैम को, जिन्होंने मुझे ये लाइव सेशन करने के लिए मौका दिया है। तो शुरू करते हैं आज के लाइव। हम पहले पनीर मखानी बनाएंगे। थैंक यू। कमेंट्स करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। हम गैस गरम कर लिया। हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, 2 टेबल स्पून। नहीं तो बटर जल जाएगा, इसलिए 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज किया। अभी इसके अंदर हम बटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून बटर डाल दिया। देखिए बटर मेल्ट हो चुका है। अभी इसके अंदर हम खड़ा मसाला डालेंगे। यहाँ पे इलायची, लौंग, दालचीनी, खड़ा मसाला डाल देते हैं। हम पहले से एक पेस्ट तैयार करके रखा है यहाँ पे।
यहाँ पे है एक ऑनियन, थोड़ा सा अदरक और 2 से 3 गार्लिक लहसुन के दाने और 8 से 10 काजू। थोड़ा बॉईल करने के बाद हम पेस्ट करके रखा है, अभी हम डाल देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम टमाटर, 2 टमाटर ये भी बॉईल करके पेस्ट बना के रखा था, ये डाल देते हैं। इसको हम हल्का सॉटे करेंगे। जो लोग बाद में ज्वाइन किया उन लोग के लिए फिर से हम बोलते हैं, अभी हम बना रहे पनीर मखानी। पनीर मखानी बनाने के लिए गैस पे बटर गरम करने के बाद एक पास पेस्ट डाल दिया, उसमें एक प्याज, अदरक, लहसुन और 8 से 10 काजू बॉईल करके पेस्ट करके रखा था वो डाल दिया, और 2 टमाटर वो भी हम बॉईल करके पेस्ट करके रखा था वो भी डाल के हम थोड़ा सा सॉटे कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम 100 अनुसार नमक डालेंगे। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, एक ग्रीन चिली डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जो कटोरी में पेस्ट बनाया था वही धो के डाल देते हैं थोड़ा सा। और से 1-2 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। हम अब इसके अंदर हम अमूल का जो मलाई पनीर है वो डाल देते हैं। आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम अमूल का मलाई पनीर लिया था वो डाल दिया। देखिए ग्रेवी से जो बटर डाला था वो बाहर आ चुका है। अभी थोड़ा हम 1 कटोरी इसके अंदर पानी डाल देते हैं।
सा यहाँ पे हाफ टी स्पून शुगर डाल देते हैं। इसको हम लो फ्लेम में अभी थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे कसूरी मेथी है, थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। और इसमें जाएगा अमूल का फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच अमूल का फ्रेश क्रीम डाल दिया। देखिए माखन ये लगभग रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी के बारे में कोई इंक्वायरी रहेगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। हम लाइव सेशन होने के बाद आपका जो क्वेश्चन कीजिएगा उसका आंसर हम दे देंगे। हम थोड़ा 1 स्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं दूसरा गैस पे। इसको लो फ्लेम में हम 5 मिनट पकाएंगे, जब तक ग्रेवी से थोड़ा ऑयल बाहर आ जाता है तब तक इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे पनीर मखानी जब तक हो रहा है हम तब तक फ्राइड राइस बना लेते हैं। पैन गरम हो चुका है, अभी इसके अंदर हम 1 टीस्पून हम घी डाल देते हैं।
घी गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर हम खड़ा मसाला डालेंगे। यहाँ पे गरम मसाला, इलायची, लौंग, दो इंची जायफल डाल देते हैं। इसको हम हल्का सॉटे करेंगे। देखिए हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्वीट कॉर्न, मटर, गाजर और बीन डाल देते हैं। हम बारीक चॉप करके डाल दिया। थोड़ा सा गार्लिक भी डाल देते हैं। आप अगर गार्लिक पसंद नहीं कीजिएगा तो अवॉइड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते थोड़ा सा। ये सब्जी को हम हल्का सॉटे करेंगे। इसमें भीगा हुआ काजू किशमिश डाल देते हैं। ये भी हम हल्का सॉटे करेंगे। आज हम बना रहे यहाँ पे पनीर मखानी एंड फ्राइड राइस। देखिए लगभग पनीर मखानी हो चुका है, बढ़िया कलर आ रहा है। यहाँ पे सब्जी फ्राई हो चुका है, आप लोग देख पा रहे। देखिए अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जायफल रोस्ट करके रखा था उसको हम क्रश करके डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप राइस थोड़ा सा बॉईल करके रखा था। वो हम अभी डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम सोया सॉस डाल देते हैं 1/2 टीस्पून। अभी ये बॉइल्ड राइस को डाल देते हैं। मखानी हो चुका है, एक गैस बंद कर देते हैं। बोला
कढ़ाई पर मैंने 1 टीस्पून सुखा डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। इसको हम हल्का हाथों पे थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। देखिए फ्राई राइस हो चुका है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं। अभी गैस बंद कर देते हैं। देखिए फ्राई राइस रेडी हो चुका है। यहाँ पे पनीर मखाना भी रेडी हो चुका है। अभी हम प्लेटिंग करेंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर डाल के और एक बार मिला देते हैं। देखिए फ्राइड राइस अभी हम मखाने को भी प्लेटिंग करेंगे। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम क्रीम ऊपर से डाल देते हैं। आज का रेसिपी रेडी हो चुका है। देखिए पूरा हरा भरा फ्राइड राइस और यहाँ पे पनीर मखानी आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप लोग भी इस तरह नया नया रेसिपी सीखना चाहते हैं तो जरूर आप लोग हमेशा अमूल के साथ रहिएगा।
और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल माय होम किचन विनीता हाजरा वो भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। देखिए आज का रेसिपी पनीर मखानी एंड फ्राइड राइस कैसे लग रहा है आप लोग, थोड़ा कमेंट्स कीजिएगा। झटपट बनने वाला रेसिपी है, पर घर में कोई गेस्ट आए तो जरूर एक बार आप लोग पनीर मखानी एंड फ्राइड राइस ट्राई कीजिएगा। और आपका रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसे लगा वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही है, थैंक यू फ्रेंड्स।